मैम आप यहाँ के फाउंडर मेंबर हैं ललित कला अकादमी के, डायरेक्टर रही, इसके बाद आप कनाडा गए, कनाडा में भी आपने चित्रकला को भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत काम किया इस चीज़ों को, तो किस तरह से स्टार्ट किया था आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? देखिए मेरे सामने मेरे जीवन का उद्देश्य ही है वसुधैव कुटुंबकम। जब मैं कनाडा पहली बार गई तो जिस टैक्सी में मैं जा रही थी तो टैक्सी ड्राइवर्स को मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, डू यू नो व्हाट इज़ वसुधैव कुटुंबकम? नहीं, तो उसी टाइम मैंने उनको बताया, इसका अर्थ बताया, दिस वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो बहुत खुश हुए। उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया मैं हमेशा अपने पर्स के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का एक स्लिप रखा करती थी और उस स्लिप को मैं जहाँ भी जाती उसको बांटती। इसके द्वारा मेरे मन में ये भावना उठी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई चाइनीज़, अफ्रीकन, अमेरिकन, सब तरह के लोग वहाँ हैं, पूरा वर्ल्ड एक कंट्री में है कनाडा में, मैं अपने देश की कला को, अपने देश की संस्कृति को, यहाँ की भावनाओं को मैं किस रूप से इन बच्चों के द्वारा पूरे विश्व में पहुँचाऊँ। तब मैंने निश्चय किया कि मैं अपना टाइम देती थी उनको शाम के समय, या कहीं लैंडस्केप बनाने जा रही, पेंटिंग बनाने जा रही, बच्चों के पूरे पेरेंट्स के साथ, वहाँ सिक्योरिटी बहुत रखते हैं, बच्चों को लेकर के जाती थी साथ में, उनको पेंटिंग करना सिखाती थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ के बच्चे भाषा ज़्यादा नहीं समझते, सारी भाषाएं नहीं समझते, इंग्लिश समझते हैं बस थोड़ा बहुत, पर उनको मैंने एक फॉर्म दिया, जैसे ओम का फॉर्म दिया, तो उनको मालूम पड़ा कि ओम क्या होता है, स्वास्तिक दिया, स्वास्तिक क्या होता है, हमारे देश की श्रीयंत्र जो है, श्रीयंत्र का जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सिंपल फॉर्म्स हैं, वो किस तरीके से छोटे बच्चे बना सकते हैं, उसका दिया। तो मेरा अपना स्टूडियो है, अपनी अच्छी आर्ट गैलरी है, वहाँ पर उन बच्चों को वहाँ विज़िट करवाती थी, वहाँ ला करके दिखाते थे कि किस तरीके से आप पेंटिंग्स बनाइए, इनका करिए, और ये सब मेरा सोशल वर्क होता था। मैं एक रुपया भी किसी से पेमेंट नहीं, एक डॉलर भी पेमेंट नहीं लेती थी। 3 साल तक को कनाडा में रहे, वहाँ किस तरह से मिस किया आपने इंडिया को, अब वहाँ से आए तो क्या मिस कर रहे हैं? हाँ, जब मैं कनाडा में थी तो मेरी वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यू एक्स ब्रैम्पटन में एक जगह है, वहाँ पर आर्ट गैलरी मेरी एग्जीबिशन हुई, उस एग्जीबिशन में मैंने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। मेरी पेंटिंग ज़्यादातर दिव्य ज्ञान और भारतीय संस्कृति पर आधारित होती है, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे प्रदर्शित किया तो मैंने अपने देश के लोगों को, अपने ये सारे लोग जो आज कलाकार हैं, एकत्रित हैं, इनको बहुत मिस किया। रशियन थे, कैनेडियन थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर उसमें भारतीय एक ही दो थे, तो मैंने उनको बहुत मिस किया। इसके बाद जब मैं वहाँ पर थी तो वंदे मातरम, जनगण मन, ये सब बहुत मिस करती थी, क्योंकि आदत थी शुरू से ही। तो जब टीवी होता था, टीवी में प्रोग्राम होते थे, तो मैं कभी उसको मिस नहीं करती थी, जरूर सुनती थी। तो जब मैं अब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर आने के साथ ही जो फूलों से, उन फूलों की खुशबू से मेरा स्वागत किया गया, सब चीज़ रिकलेक्ट हो गया। इसी मिट्टी में, यही मेरी कर्मभूमि रही है आगरा, यहाँ रह कर कर मैंने बहुत सारे काम किए। आजकल मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर हूँ, अब वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े आयोजन है, वर्कशॉप करूँगी, अभी दिसंबर में ही वर्कशॉप आयोजित करूँगी, तो उसमें अपने परिवार के जो कला परिवार है मेरा, इतना बड़ा, इतना वृहद, इसको जोड़ूँगी। हाँ, बड़े सौभाग्यवश मैं विश्व की प्रथम चित्रकला विषय में एज वुमेन प्रथम हूँ, और मैं अपने आप ही आपको बता दूँ कि 38 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, 62 स्कॉलर्स PhD कर चुके हैं, 212 MPhil कर चुके हैं, और ये जो छोटा सा दिया मैंने शुरू किया था एक से, आज ये दिया पूरे संसार में जल रहा है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मेरे निकले हुए विद्यार्थी हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रहने वाली कहाँ थी मूल रूप से? मूल रूप से मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, और वैसे अब आगरा में रहती हूँ। आगरा में कहाँ रहती हूँ? आगरा शमशाबाद रोड पर, वहीं पर मेरी अपनी एक सोसाइटी है, चित्रलेखा द विलेज ऑफ आर्ट सोसाइटी, उसके अंतर्गत हमेशा जब भी मैं विदेश से इंडिया आती तो एक वर्कशॉप अपने सोसाइटी में ही करती हूँ, सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, सब लोग आते हैं। बड़ी सुंदर मेरी आर्ट गैलरी थी और लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की 120 पुस्तकें थीसिस अपनी मैंने आगरा कॉलेज को डोनेट कर दिया, सारी पुस्तकें, और अच्छी लाइब्रेरी, अभी भी विद्यार्थी स्कॉलर सब आते रहते हैं। अपने देश में लौटने पर क्या, कैसी खुशी महसूस हो रही है? क्या कैसी दूरी खुशी खुशी भाई, देखो इस माटी में पल कर बड़े हुए,
इसके लोट पोट होकर माटी का माथे में धूल इसके बिंदी लगाई हमने इस माटी की, तो इसमें आने की तो खुशी होती ही है अपने घर वापस आने की।